कीथ को बहुत गलत तरीके से ट्रीट करती है, क्योंकि कीथ इतने अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो ऑर्डर पे ऑर्डर, बेबी मुझे ये करना, मतलब रशेल एक्चुअली कीथ के सामने 10-year-old किड बन जाती है और उसको चाहिए कि वो उनको लाइक फादरली वे में ट्रीट करे. और मैंने कई बार, मुझे बुरा लगा है बिकॉज बहुत सी काम, वो उनके पैर में चोट लगी हुई थी, फिर भी आप इधर जाइए, वो लेके आई, ये लेके आई, नहीं मुझे सुबह सुबह कॉफ़ी बना के दीजिए, तो मुझे कीथ पे बहुत बुरा लगा. ईश्वर कहीं ना कहीं सुयश को उठने नहीं देती है. सुयश अच्छे इंसान है, लेकिन सुयश सिर्फ कीश्वर के लिए लड़ते हैं और सिर्फ कीश्वर के लिए जी रहे हैं. तो मुझे ऐसे लगा दोनों कपल्स ने वहाँ पे घर बसा लिया है, आगे हनीमून की भी प्लानिंग साथ में हो रही है, तो मुझे ये बहुत वियर्ड लगता है. प्रिंस बेचारा सीधा साधा है, तो वो एक्चुअली इन्वॉल्व हो गया है, वो मुझे दिख रहा है. लेकिन नौरा जो कि पहले से ही प्लान करके आई थी कि मैं ऋषभ या प्रिंस में से एक जने को डेट करूँगी, जो कि उसने स्टेज में भी बोला था, अंदर आने के बाद उसने देखा कि प्रिंस लीड कर रहा है घर के अंदर, इसीलिए उसने प्रिंस को पकड़ा. वो इन्वॉल्व है बट नौरा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज नौरा के लिए वो गेम प्लान है और नौरा बहुत स्मार्टली सेफ हो रही है, बिकॉज वो गेम में और कुछ नहीं दे रही थी, उनका कोई स्टैंड नहीं ले रही थी, कुछ नहीं, उनको कहीं ना कहीं बीच में अगर प्रिंस बोलता था अरे कुछ तो करो कि नहीं तो एलिमिनेट हो जाओगी, तो वो आके ज़बरदस्ती लड़ाई करती थी, तो वो मुझे बहुत चाइल्डिश सी लगती थी. और मुझे लगता है कि वो प्रिंस को, बेचारा प्रिंस, आई मीन आगे जाके वो धोखा नहीं दे, आई होप सो.